एच वर्सेस रोमन हो गया है फाइनली ऑफिशियल मनी इन द बैंक 2021 के लिए। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी इसके बारे में बात करेंगे। और गाइस रोमन रेस और एच का मैच हो चुका है ऑफिशियल, तो गाइस सारी बातें वीडियो के अंदर डिटेल में एकदम कवर करने वाले। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और गाइस वीडियो को देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है सारा सिनेरियो। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, जब स्मैकडाउन खत्म होता है रोमन रेंस के ऊपर एज अटैक कर लेते हैं, उसके बाद एज जाते हैं स्मैकडाउन पे, और फिर जाते हैं स्मैकडाउन, तब एज जाते हैं बैठते एकदम गुस्से से, एज होते हैं एज बैठ से चलाते हैं। उसके बाद जो है एडम पेस है सोने डबल एक जो है मतलब एक उनके रूम के अंदर होते हैं, और गाइस तभी वहाँ पर से एज आते हैं आउट ऑफ नोवेयर, उनको कुछ बातचीत हो रही होती है, और गाइस एज आते हैं दरवाजा मतलब उनको जो है यहाँ पर से धक्का मारते आ जाते हैं पूरे रूम के अंदर। एज कहते देखो मुझे चाहिए रोमन के खिलाफ मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, एज वर्सेस रोमन रेस एट मनी इन द बैंक जो कि होना था डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के अंदर, जो कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। और एज काफ़ी गुस्से के अंदर ये सारी चीज़ें कह देते हैं। उसके बाद एडम पियर्स क्या करते हैं, एडम पियर्स कहते हैं ओके तुम्हें मैच चाहिए तो मैं दे देता हूँ। और गाइस यहाँ पर से ये हो जाता है ऑफिशियल रोमन रेस वर्सेस एज, अब हो चुका है ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मनी इन द बैंक 2021 के लिए। और भाई यहाँ पर इसके बाद जो हमें ट्विटर पर सारी चीज़ें दिखाई दी थी कि जैसे पॉल हैमन ने भी इस मैच को मतलब रिएक्शन दिया और इस मैच को ऑफिशियल कर दिया। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ देर के बाद अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये बातें रिवील कर दी कि एज ने चैलेंज किया रोमन रेंस को, और अब हो चुका है ऑफिशियल रोमन रेंस वर्सेस रेटेड आर सुपरस्टार एज के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। और वह सिर्फ इतना ही नहीं, और स्मैकडाउन के ऊपर आपने मतलब डीटी पूरा सेगमेंट आपने देखा होगा यूट्यूब या फिर कहाँ पे भी, तो इस टॉकिंग स्मैक एपिसोड के ऊपर चल रहा होता है हमारे सेथ रॉलंस का इंटरव्यू। और भाई जब सुपर हमारे सेथ रॉलंस का इंटरव्यू ले रही होती है कीला ब्रैक्सटन, तभी हमारा जो पैट मैगफी वहाँ पर होते हैं, बट वैसे तभी सब बोल रहे होते हैं कुछ, तभी हमें ये एंगल दिखाई देता है कि कीला ब्रैक्सटन जीती है, रुको रुको बैक स्टेज पर कुछ चल रहे। तो खैर सेथ रॉलंस का मतलब जो बोल रहे थे उसको कट कर कर जाता है सीधा एच के पास कैमरा, और भाई सेथ रॉलंस वहाँ पर होते हैं गुस्से के अंदर क्योंकि सेथ रॉलंस को मतलब सेथ रॉलंस को अच्छा नहीं लगता कि भाई मुझे छोड़कर मेरा बोलना टालकर ये सारे जा रहे हैं उस एच के पास। और भाई एच का हमें सिनेरियो दिखाई देते हैं जिसमें आपको बताया था कैसे एच ने चैलेंज किया है रोमन रेंस को, और भाई यहाँ पर सेथ रॉलंस भड़क जाते हैं, और भाई इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई सेथ रॉलंस को दिक्कत है, प्रॉब्लम है एच से, क्योंकि एच को मिल चुकी है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी एट MITB 2021, क्योंकि चाहिए थी सेथ रॉलंस को अपॉर्चुनिटी। सेथ रॉलंस ने कहा था कि मेरे जैसा लेवल का स्मैन ओवर कोई है नहीं, मैंने बहुत सारी रोमन रेस से भी ज़्यादा चीज़ें अचीव की पूरे WWE के अंदर, और स्मैन के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि जो कि रोमन रेस को चैलेंज कर सकता है जो कि रोमन रेस का लेवल का है, और मेरे जैसा इससे बड़े सुपरस्टार कोई है नहीं। और वे सेथ रॉलंस का ये मानना है, और भाई सेथ रॉलंस को चाहिए होती है यूनिवर्सल टाइटल की अपॉर्चुनिटी, बट बोल दे लेते हैं हमारे एज। और भाई जिससे भी साफ साफ पता है कि भाई एज वर्सेस सेथ रॉलंस होना है WWE समझ लें व्यवहार किस कल, तो भाई ये सारी चीज़ें मीट कर रही है सेथ रॉलंस एंड एज के थ्रू, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप एक्टिव व्यूअर होगे चैनल पर तो मैंने आपको वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एज वर्सेस सेथ रॉलंस के प्लान है समझ लें के लिए, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एज का रिटर्न हो चुका है रोमन रेंस के सामने, तो इसलिए सारी चीज़ें हो चुकी है। आप कितने एक्साइटेड हो गए एज वर्सेस सेथ रॉलंस के एंड एज वर्सेस रोमन रेंस के मनी इन द बैंक समझ लें मैच के लिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। बाकी आज की मेरी वीडियो बस इतनी है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।